बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजनद न्यूज़ से मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी। नाज़रीन, तीसरी आलमी जंग का नगारा बज चुका है। सदर पुतिन के रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस को खसूसी अलर्ट पर रहने के हुक्म और ताकतवर जौहरी हथियारों से लैस आबदोज को समंदर में उतारने से दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि 1962 के क्यूबन मिज़ाइल बहरान के बाद दुनिया एटमी तबाही के शदीद तरीन खतरे से दो चार है। अक्वामे मुतहिदा की सलामती कौंसल का अजलास मुस्तकबिल के इकदामात के मुतल्लिक किसी मुहायदे के बगैर ख़त्म हुआ, क्योंकि रूस और चीन का कहना है कि खित्ते में अमरीकी की आदत में फौजी मशकू ने शुमाली कोरिया को ऐसी कार्रवाई पर उकसाया है। यूक्रेन खुलेआम नीटो और अमरीका से हिमायत और मदद चाहता है और चोरी छुपे थोड़े बहुत हथियारों की फराहमी पर यूक्रेनी सदर बरहमी का इजहार कर चुके हैं। यूरोप और अमेरिका खुलकर जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि उन्हें खदशा है कि जंग की आग इनके मुल्कों को भी अपनी लपेट में ले लेगी। अमेरिका के सदर जो बाइडन का कहना है कि यूक्रेन में नाकामियों के बाद रूस की जानब से टैक्टिकल हथियारों के इस्तेमाल का इम्कान सामने आने से दुनिया में शदीद एटमी तबाही का खतरा है। डेमोक्रेटिक सेनेटरी कंपेन कमेटी के लिए फंड रेजिंग की तकरीब से खताब करते हुए जो बाइडन ने कहा कि 1962 के क्यूबा मिसाइल बहरान के बाद से दुनिया में एटमी तबाही का खतरा शदीद तरीन है, क्योंकि रूसी हुकाम यूक्रेन पर 8 माह से जारी हमले में बड़े पैमाने पर नाकामियों का सामना करने के बाद टैक्टिकल जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के इम्कान के बारे में बात कर रहे हैं। जो बाइडन ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं, और जब वो टैक्टिकल जौहरी हथियारों या हयातियाती या कैमियाई हथियारों के इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं तो रूसी रहनुमा मजाक नहीं करते। बाइडन का मजीद कहना था कि कैनेडी और क्यूबा के मिसाइल बहरान के बाद से हमें जौहरी तबाही के इम्कान का सामना नहीं था। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से खतरा हकीकी है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि इनकी फौज नुमायां तौर पर नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। अमरीकी सदर ने रूसी जौहरी नजरियों को भी चैलेंज करते हुए मुतनब्बिह किया के कम ताकत वाले टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल तेजी से बेकाबू होकर आलमी तबाही की तरफ बढ़ सकता है। टैक्टिकल जौहरी हथियार आसानी से इस्तेमाल करने की सलाहियत हो और तबाही के साथ ख़त्म न हो, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है। डेमोक्रेटिक डोनर से बात करते हुए जो बाइडन ने कहा कि वो अब भी यूक्रेन में पुतिन की ऑफ रैंप हिकमत अमली का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चंद रोज कबल कह चुके हैं कि रूस अपने दिफा के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। 21 सितंबर को अपने एक खिताब में इनका कहना था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में भी तबाही फैलाने वाले मुख्तलिफ ज़राए हैं, और जब हमारे मुल्क की इलाकाई सालमियत को ख़तरा लाहक होगा तो रूस अपने लोगों की हिफाजत के लिए यकीनी तौर पर अपने इख्तियार में मौजूद तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। रूसी सदर ने कैमरे की तरफ घूरते हुए मजीद कहा कि ये मजाक नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने बारहा अपने मुल्क के बड़े जौहरी हथियारों को इस्तेमाल करने की तरफ इशारा किया है। गुज़िश्ता माह भी उन्होंने यूक्रेन में लड़ने के लिए रूसी मर्दों को भर्ती करने के मंसूबों का ऐलान किया था। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलेवान ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि अमरीका रूस पर वादे कर चुका है कि यूक्रेन में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के नतायज क्या होंगे। जैक सलेवान ने कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बहुत संजीदगी से ले रहे हैं और रूस के साथ बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं। इसमें ये भी शामिल है कि इस तारीख रास्ते पर जाने की सूरत में अमरीका किस तरह का फैसला कुन रद्द अमल दे सकता है। अमरीकी हुकाम कई माह से इस इम्कान के बारे में मुतनब्बिह कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसे मैदान जंग में मुतअद्दद नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। इनके मुताबिक इस हफ्ते रूस की जौहरी अफवाज में कोई ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आई जिससे अमरीकी जौहरी अफवाज की पोजीशन में तब्दीली की ज़रूरत हो। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने मंगल को कहा था, हमें अपनी
तस्वीराती जौहरी पोजीशन को तब्दील करने की कोई वजह नजर नहीं आई और न ही हमारे पास इस बात का कोई इशारा है कि रूस फौरी तौर पर जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। माहरीन का कहना है कि ये मुमकिन तौर पर निस्बतन छोटे तस्वीराती हमले होंगे, लेकिन बाइडन ने मुतनब्बे किया कि एक महदूद इलाके में इस तरह के हमलों से अब भी वसी पैमाने पर कशीदगी पैदा होने का खतरा होगा। दूसरी जानब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमेरात को कहा था कि व्लादिमीर पुतिन समझते हैं कि दुनिया रूसी जौहरी हमले को कभी माफ़ नहीं करेगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह समझते हैं कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के बाद वो अपनी ज़िंदगी को महफूज रखने के काबिल नहीं रहेंगे। अक्वामे मुत्तहिदा के सलामती कौंसल का इजलास मुस्तकबिल के इकदाम के मुतल्लिक किसी माहदे के बगैर ख़त्म हो गया, क्योंकि रूस और चीन का कहना है कि खित्ते में अमरीकी क़यादत में फौजी मशकों ने शुमाली कोरिया को ऐसी कार्रवाई पर उकसाया है। रूस और चीन ने जोर देकर कहा है कि इस खित्ते में अमरीकी क़यादत में फौजी मशकों ने शुमाली कोरिया को ऐसी कार्रवाई करने पर उकसाया है, जबकि शुमाली कोरिया का कहना है कि मिज़ाइल तजर्बात अमरीका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकों के खिलाफ जवाबी इकदाम हैं। बुध को होने वाला इजलास मुस्तकबिल के इकदाम के मुतालिक किसी माहदे के बगैर ख़त्म हुआ, हत्ता के अमरीका और इसके इत्तेहादियों की जानब से खबरदार भी किया गया था। रवां बरस शुमाली कोरिया की जानब से रिकॉर्ड तादाद में मिज़ाइल तजर्बात पर इत्तेफाक राय तक पहुँचने में कौंसिल की नाकामी, शुमाली कोरिया की हौसला अफजाई और अक्वामे मुत्तहिदा की सबसे ताकतवर अदारे के इख्तियार को कमज़ोर कर रही है। शुमाली कोरिया की जानब से मंगल को किया जाने वाला मिज़ाइल तजर्बा अब तक सबसे तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों का तजर्बा था। ये एक जौहरी सलाहियत का हामिल बैलिस्टिक मिज़ाइल था जो जापान के ऊपर से गुजरा और अमरीकी बहरुल काहल के इलाके गवाम और इससे आगे तक जाने की सलाहियत रखता था। इसकी वजह से जापानी हुकूमत को इनखला के इंतबाह जारी करना और ट्रेनों को रोकना पड़ा। अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि शुमाली कोरिया की जानिब से रवां बरस बैलिस्टिक मिज़ाइलों के गैर मुतवक्का तजर्बात किए गए हैं, जिनकी तादाद अब 40 से ज़ायद हो चुकी है और ऐसा लगता है कि शुमाली कोरिया भी सातवीं एटमी धमाके की तरफ बढ़ रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ ही अबूज़र गफारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।